नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर पब्लिकेशन एंड रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि 3 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए थे उनका एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप सबको पता चले कि कल का पेपर यदि आए आपके सामने तो आपको उस पेपर को कैसे करना है और होपलेस नहीं होना है और पेपर बहुत ही आसान आ रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ कि आपको पहला तो पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा जिससे आपको कोई दिक्कत होगी, समस्या। दूसरा दोस्तों, इस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और दोस्तों, इसमें देखो आपको पैराग्राफ में 2 टाइम्स इंग्लिश वाले में स्क्रॉल करना पड़ेगा, 1 टाइम हिंदी वाले में स्क्रॉल करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें 2 से 3 कहानी मिला के आपको एक पैराग्राफ बनाया जा रहा है जिससे आपको टाइप करना है। ठीक है दोस्तों, आपके पास में अंडू का ऑप्शन भी मिलेगा, आपके जितने भी टूल्स खोलोगे आप उनकी नेम भी मिलेगी। पहले अपन सबको लग रहा था कि वहाँ पे आरएसएम भी कलर वगैरह टूल्स वगैरह वो टूल्स के नेम वगैरह वो देगी या नहीं देगी पता नहीं। दोस्तों, उसमें सिर्फ और डिज़ाइनिंग और लेआउट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा। तो दोस्तों, जिन बच्चों से मैंने क्वेश्चन पूछा है उस आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपन चलते हैं अब कि पहला क्वेश्चन से अपना टेबल की सेकंड कॉलम को सेंटर अलाइन कीजिए। तो दोस्तों, अपन यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको सेंटर अलाइन कर देंगे। इसी टाइप से टेबल की फोर्थ कॉलम को राइट अलाइन दीजिए। दोस्तों, मैंने फोर्थ कॉलम नहीं बनाया, इससे पहले एक कॉलम और इंसर्ट कर लेते हैं अपन। ये फोर्थ कॉलम हो गया अपना। तो दोस्तों, फोर्थ कॉलम में गए अपन और इसमें राइट लाइन दे रहा है, तो होम में जाएंगे, वहां पे डिजाइनिंग और लेआउट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप जाओगे, राइट लाइन कर दोगे, राइट सेंटर जो भी बोले आप यहाँ से कर दोगे। दोस्तों, उसके बाद में पैराग्राफ थर्ड को लेफ्ट इंडेंट देंगे। दोस्तों, लेफ्ट इंडेंट देने के लिए पैराग्राफ थर्ड ढूंढो पहले, 1 2 3, ये 3 पैराग्राफ हो गया, इसको लेफ्ट में इंडेंट देना है। दोस्तों, लेफ्ट इंडेंट में कितना दिला रहा है वो सिर्फ बोल रहा है कि लेफ्ट इंडेंट में 1.5 दीजिए। तो दोस्तों, पैराग्राफ में जाएंगे अपन, यहाँ पे 1.5 कर देंगे, ये लीजिए और ओके कर देंगे, हो गया। दोस्तों, इसके बाद में अपन चलेंगे, आपको दोस्तों मैं साथ के साथ बता चलता हूँ कि और क्या 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 पूछ सकता है। ज़्यादा ज़्यादा राइट का पूछ लेगा आपको, आउटसाइड इनसाइड पूछ लेगा, इसमें फर्स्ट लाइन हैंगिंग पूछ सकता है। हैंगिंग और फर्स्ट लाइन का मतलब आपको पता ही होगा, आपने पढ़ ही चुके होंगे कि फर्स्ट लाइन मतलब पहली लाइन जो आगे की तरफ हो, नीचे का मीटर बाहर की तरफ हो, और हैंगिंग मतलब फर्स्ट लाइन है वो आगे की तरफ हो और नीचे वाला मीटर लटकता हुआ रहे, तो उसको हैंगिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है आगे वाले पेपरों में, तो इनका थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद में अपन चलते हैं कि पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग डबल दीजिए। तो इन्होंने क्या सेकंड पैराग्राफ के लिए बोल रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ फर्स्ट के लिए बोल रहे हैं, कुछ फोर्थ के लिए बोल रहे हैं। तो पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग कोई सी पैराग्राफ को दिलाएं आपको, जाके यहाँ पे जाएंगे, डबल के लिए बोले तो यहाँ से कर देंगे, सिंगल के लेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे। तो दोस्तों, पेपर बहुत ईजी आ रहा है। तो इसी प्रकार से पेपर की साइज़ लीगल साइज़ करना है। तो दोस्तों, लीगल साइज़ के लिए आप पेज लेआउट में जाओगे और यहाँ पे साइज़ में जाओगे, साइज़ में जाके आपको यहीं बाहर मिल जाएगी लीगल साइज़, ये रही। तो आप आराम से लीगल साइज़ कर दो पेज की, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके बाद में अपन चलते हैं, वाटर मार्क हटाइए। दोस्तों, कुछ में वाटर मार्क लगा भी तो सकता है ना, तो वाटर मार्क लगाएंगे पहले, तो वाटर मार्क लगाइए पहले। कस्टमाइज में गए, यहाँ पे टेक्स्ट में क्लिक करा अपन ने, टेक्स्ट में क्लिक किया, यहाँ पे लिखा अपने रणथंभौर क्लासेस, स्टेनो क्लासेस लिखता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। इसको जो भी अगर वो कलर अगर पूछे तो आप कलर वगैरह दे दो, कुछ भी, यानी
हॉरिजेंटल मुझे तो हॉरिजेंटल कर दो दोस्तों। मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों यहाँ से कलर कोई से कलर चूज कर लो, जो भी आप लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपना आ गया साहब स्टेनो क्लासेस दूर करता है। अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन से बोल रहा है कि वाटर मार्क को रिमूव करना है अपन को। तो दोस्तों बहुत से बच्चे आप लोग यहाँ पे जाओगे वाटर मार्क में, आप इस पर नहीं ध्यान दे के यहाँ पे जाओगे, इसका कलर को हटाते रहोगे, यहाँ पे इसको इसको मिटाते रहोगे, ये सब चीज़ें क्या प्रोसेस गलत है आपका। आपको सीधा यहाँ जाना है, वाटर मार्क रिमूव पे क्लिक करना है, आपका वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों मुश्किल से मैक्सिमम 5 से 6 मिनट में आपका ये इजी हो सकता है, पूरे क्वेश्चन आप आराम से इजी में चेक कर सकते हो। दोस्तों अंडू का ऑप्शन मिल रहा है ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस क्वेश्चन को चेंज करके भी दोबारा से कर सकते हो। दोस्तों पेज का कलर लगाइए, तो पेज में उसमें कलर मेंशन नहीं किया तो आप कोई सा जो आपको ठीक लगे वो कर दो, यदि वो कलर मेंशन करता है तो कलर डाल दो। इफेक्ट पेज में इफेक्ट के लिए बोले तो आप इफेक्ट में जाइए और फिर यहाँ से इफेक्ट कर दीजिए जो कि मैंने पहले बता रखा है। उसके बाद में दूसरे और फोर्थ पैराग्राफ मतलब सेकंड और फोर्थ पैराग्राफ को हाईलाइट करना अपन को। तो सब सेकंड ये हुआ, इसको हाईलाइट कर दो। होम में गए, हाईलाइट बटन कौन सा है, हाईलाइट बटन ये रहा। कुछ बच्चे इसको ना करके, कुछ दोस्त इसको करके आ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। दोस्तों हाईलाइट के लिए हमेशा इस बटन का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से अपन चलेंगे नेक्स्ट पे। ये फोर्थ पैराग्राफ हो गया, इस पूरे फोर्थ पैराग्राफ को मैंने हाईलाइट कर दिया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं पैराग्राफ का फॉन्ट कलर चेंज कीजिए। अब दोस्तों ये फोर्थ पैराग्राफ फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो हाईलाइट कर दिया मैंने, लेकिन ये बोल रहा है फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो फॉन्ट कलर मैंने रेड कर देता हूँ, मैंने येलो से इसको हाईलाइट कर दिया तो उसका फॉन्ट कलर रेड कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे पैराग्राफ में, जहाँ पर भी जीवन शब्द है उससे आउटलाइन इफेक्ट दीजिए। दोस्तों ये मैंने हिंदी का पैराग्राफ नहीं ले रखा इसलिए जीवन शब्द नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कोई भी वर्ड, जैसे डॉक्यूमेंट्स वर्ड को अपन सर्च करेंगे तो अपन फाइंड रिप्लेस में जाएंगे, तो उसके बाद में फाइंड किया आपने डॉक्यूमेंट शब्द, यहाँ टाइप करोगे आप डी ओ सी यू एम ई एन टी डॉक्यूमेंट्स शब्द फाइंड करेंगे। यदि वो सिंगल पैराग्राफ के लिए बोलता है तो करंट सिलेक्शन, यदि ऑल डॉक्यूमेंट्स में करना अपन को तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, जितने भी डॉक्यूमेंट शब्द है वो यहाँ पे शो कर गए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, आपने डॉक्यूमेंट शब्द है उसको अगर आप हाईलाइट या कुछ भी कर रहे हो तब तो वो पूरा मिल गया आपको, लेकिन आपके पास में जैसे द वर्ड है तो द वर्ड सर्च करेंगे अपन, तो देखिए दोस्तों ये अपन ने द वर्ड लिखा, मैंने इसको ऑल डॉक्यूमेंट्स में सर्च किया, तो दोस्तों देखो इसमें जो जो कि ये अपने पास में अदर वर्ड है, अदर वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी ये अपना शो कर रहा है, ये देखो जो कि आपका अदर वर्ड लिखा हुआ है इसको भी यहाँ पे आप शो कर रहा था। तो दोस्तों इसको अपन न करके इसको मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो वर्ड है वही चाहिए, तो इसमें ऑल डॉक्यूमेंट्स करो, ये दोस्तों अदर पे से हट गया। इसी के साथ साथ यदि आपके पास में कहीं पे भी कैपिटल दा है उसको भी अगर ले रहा है, मान लो आपको बोल दिया जाए ओनली दा वर्ड को, तो यहाँ पे आपने कैपिटल दा कर दिया तो इसमें कैपिटल दा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए ना, तो इसमें आपका कैपिटल दा सेलेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैच कैसे भी आप क्लिक कर दो तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल दा है वो सिलेक्ट होंगे। अब दोस्तों इसमें बोल रहा है कि जीवन शब्द को आउटलाइन इफेक्ट दीजिए। अब दोस्तों आप फाइंड रिप्लेस के माध्यम से भी दे सकते हो या फिर आप इजी वे में आपने सेलेक्ट किया, मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको मेन डॉक्यूमेंट्स में, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपने फॉन्ट मैंने खोली, ये आउटलाइन इफेक्ट दिया मैंने, आउटलाइन इफेक्ट देने के बाद में मैं बाहर आ जाता हूँ। दोस्तों ये आउटलाइन इफेक्ट मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, तब आउटलाइन का इफेक्ट दिखेगा आपको। आउटलाइन इफेक्ट की दिया मैंने, ओके किया, ये आउटलाइन इफेक्ट आ गया।
दोस्तों मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, देखो आउटलाइन इफेक्ट आ रहा है। तो इसके बाद में अपन चलते हैं, इसको मैं अंडू कर देता हूँ इस वाले इफेक्ट को। तो दोस्तों मैं आगे चलता हूँ आपको लेके, थर्ड पैराग्राफ को आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है। दोस्तों आपको सुपरस्क्रिप्ट करना, तो सबस्क्रिप्ट तो इसे बोलेंगे और सुपरस्क्रिप्ट इसके बोलेंगे। दोस्तों इसमें फॉन्ट के अंदर अपन जो अपनी मेन्यू खुलती है, फॉन्ट मेन्यू जो डायल बॉक्स ओपन होता है, इसके अंदर देखो डबल स्ट्राइक थ्रो भी इसके अंदर दे रखा है, सिंगल स्ट्राइक थ्रो भी दे रखा है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, जहाँ आपको इफेक्ट दिला रहा है, एम्बोस एनग्रेव आउटलाइन शेडो जो आप सब कुछ यहाँ पे हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को आपको देख के जाए। दोस्तों होम मेन्यू से आपके 50% क्वेश्चन यहाँ से आपके हल हो जाएंगे, आपको पेज लेआउट और टेबल में बहुत ही कम क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। दोस्तों साथ ही साथ आप नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, पेज फुटर से पेज नंबर रिमूव करना है। दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट में आया था, इवनिंग वाली शिफ्ट में आ गया क्वेश्चन। दोस्तों आप यहाँ पे गए फुटर पे, फुटर पे जाने के बाद में आप पेज नंबर में जाओगे, पेज नंबर रिमूव का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करो तो आपका पेज नंबर गायब। दोस्तों यदि आपने इसको हटाने की कोशिश ऐसे करोगे, आप यहाँ जाओगे साहब मैं रिमूव कर देता हूँ, बैक स्पेस कर देता हूँ, या मैं डिलीट बटन से डिलीट कर देता हूँ, तो दोस्तों इसके बाद में अपन यहाँ से भी हट जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका जो इजी वे तरीका है, वो तरीका यही है, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ से रिमूव पे क्लिक करोगे तो आपका रिमूव हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ। पर दोस्तों कुछ लोगों से ऐसा हो रहा है कि हेडर भी आपके साथ साथ आपका रिमूव हो रहा है। तो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले उनका जो रिमूव पे ऑप्शन आते हैं तो वो हेडर रिमूव कर देते हैं यहाँ जाके जल्दीबाजी में। तो दोस्तों ध्यान से करें पेपर को, जिससे आपको गलती नहीं हो। फिर दोस्तों अपन आगे चलते हैं कि पेज को लेफ्ट और बॉटम मार्जिन सेट करिए। पेज है अपना, पेज लेआउट में गए, पेज का नाम आती, ठीक है दोस्तों, मोर इसमें गए अपन ऑप्शन में। अब ये बोल रहा अपन से है मार्जिन के अंदर कि तो लेफ्ट में आपको सेट करना है अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, और बॉटम मार्जिन सेट करना है। तो दोस्तों बॉटम राइट और टॉप ये चारों प्लस साथ में गटर मार्जिन में आपको लेफ्ट और टॉप वाला लेना है, ठीक है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन लैंडस्केप पोर्ट्रेट भी करा सकता है, तो ये यहाँ तक कोई डीपली क्वेश्चन नहीं है, आपको साइज पेज की लैंडस्केप और मार्जन्स ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है नेक्स्ट पेपर में। दोस्तों इसके बाद में हेडर में लिखे बेस्ट वर्ड को इम्बोस इफेक्ट देना है। दोस्तों अपन हेडर पे क्लिक करेंगे, इसको अपन सभी को जितने भी हेडर में लिखे हुए हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर को अपन इम्बोस इफेक्ट देंगे। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि फॉन्ट में जाएंगे, इम्बोस इफेक्ट दो, इंग्रेव दो, कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ जाके, ओके कर दो। मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया इसलिए इफेक्ट नहीं आया। दोस्तों इम्बोस इफेक्ट देता हूँ मैं, तो इधर ये इम्बोस इफेक्ट आ गया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ में अपन का गटर मार्जिन के लिए बात कर रहे थे अपन, तो गटर मार्जिन में यहाँ गए, मार्जिन में गए, दोस्तों ये आ गया गटर मार्जिन। तो इसमें लेफ्ट में या टॉप में जो भी गटर मार्जिन हो वो यहाँ से अपना आ जाएगा। दोस्तों मार्जिन में इसके बाद में दोस्तों अपन चलते हैं कि नेक्स्ट पेपर, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, सेम चीज़ ये की यही थी, वाटर मार्क का रिमूव करना होता है, तो जब वाटर मार्क को यहाँ से रिमूव कर देंगे, पेज पर टॉप व बॉटम बॉर्डर लगाइए। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप बॉर्डर में जाके भी लगा सकते थे या फिर आप यहाँ पे होम से भी लगा सकते थे, लेकिन दोस्तों होम से आपका केवल और केवल यहाँ से आपको पैराग्राफ का ही बॉर्डर लगेगा, इसलिए अपन बॉर्डर में गए, पेज बॉर्डर पे क्लिक किया मैंने, एक क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक यहाँ पे किया, तो ये टॉप और बॉटम बॉर्डर लग गई। यदि वो बोले आपको शेडो वाली बॉर्डर लगाना है तो साइड वाली हटा देना है, टॉप और बॉटम रह जाएगी, या फिर 3D वाले के बॉक्स के लिए बोले या लाइनिंग बोले 3D बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर की अगर साइज़ बोलता है
किस साइज रखना, 3 PT की रखना है, 6 PT की रखना है या 1 PT की रखना है, तो यहाँ से दे देंगे। बॉर्डर का कलर देना है तो यहाँ से दे देंगे। दोस्तों मैं आके आगे लेके चलता हूँ आपको। इसी प्रकार से पेपर को बहुत जल्दी अपन हल करते हैं। टेबल में हेडर रो को राइट लाइन कीजिए। दोस्तों जो इवनिंग वाले पेपर में कॉलम्स के लिए बोला था उसने, अब ये मैंने इसको राइट लाइन कर रहा हूँ, तो होम में गया और इसको राइट लाइन कर दिया मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, देख रहे हो आप कि मैं पूरी टेबल को वन बाय वन सभी को राइट लाइन कर देता हूँ। ये देखिए, जितने पहले ऑलरेडी हो रखा तो वो नहीं होगा, और जो नहीं हो रखा वो राइट लाइन हो जाएगा। दोस्तों पेज के कलर को हटाना है। दोस्तों पेज में जो कलर इफेक्ट देते हैं वो पेज लेआउट में जाके देते हैं। बहुत सारे बच्चे होम में जाके, यहाँ पे आपको इजी में दिखेगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे देते रहेंगे, उनसे होगा नहीं, जिसमें हमें पढ़ा नहीं, जिन्होंने पढ़ा है वो जाएगा पेज लेआउट में, कलर में कोई सा जो अपनों अच्छा लग रहा है वो कलर यहाँ से अपन फील कर देंगे। यदि वो बोले कि कलर को हटाना है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जाएंगे वाइट कलर करके आ जाएंगे, वाइट कलर करेगा, कोई ये ग्रे कर जाएगा, इससे बोला हम करके आए हैं लेकिन इसमें आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नो कलर्स पे क्लिक करना है, जिससे आपका कलर रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे और छोटे पैराग्राफ में बुलेट दीजिए। दोस्तों दो क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट में, पेज साइज A5 करना है। तो दोस्तों पेज की साइज में जाएंगे अपन, यहाँ से A4 आ गई, A3 आ गई, स्मॉल साइज आ गई, B4 आ गई। दोस्तों यहाँ पे आपको A5 का पेज मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया आपने, A5 का पेज ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये A5 में कन्वर्ट हो गया, तो इसको मैं वापस अंडू कर रहा हूँ, जो वापस उसी स्थिति में आ जाए। इसके बाद में क्वेश्चन से अपना दूसरे और चौथे पैराग्राफ पर बुलेट देना है। दोस्तों प्रथम पैराग्राफ ये हुआ अपना, इस पर ऑटो बुलेट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे क्लिक किया ऑटोमेटिक आ जाए, अपन जैसे एंटर मारेंगे तो नेक्स्ट बुलेट आ जाएगा। देखो दोस्तों आ गया, दोस्तों इस पर कुछ भी लिख सकते हो, किसी टाइप से आप एंटर मारोगे, यहाँ पे ऑटो बुलेट्स इन्हें बोलते हैं। दोस्तों ये बोल रहा है कि आपको दूसरे और फोर्थ पैराग्राफ पर ऑटो बुलेट्स देना है। दूसरे पे दे दिया मैंने, और दूसरा और थर्ड फोर्थ पे देना है, तो फोर्थ पे भी क्लिक कर दो, दोनों पे दे दिया मैंने, इसको छोड़ दिया। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आपका जो क्वेश्चन आएगा उसका रिव्यू में 1 मिनट के लिए आपको इजी वे में बड़े पास्टली से करा देता हूँ। यहाँ से इटली कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, अंडरलाइन के लिए अगर बोले तो यहाँ से कर देंगे, सिंगल स्ट्राइक थ्रो बार से कर देंगे, और सबस्क्रिप्ट यहाँ से कर देंगे, सुपरस्क्रिप्ट यहाँ से कर देंगे। दोस्तों एक बार विंडो को बड़ा कर देता हूँ मैं, जिससे आपको बता दूँ जल्दी जल्दी कि दोस्तों मेरा टारगेट रहता है कि 1 से 2 घंटे में RSM जी ने जितना सिलेबस दिया था उसको मैं 1 से 2 घंटे में कवर करा रहा था बच्चों को। तो मेरे जितने भी बच्चों ने, स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने 3 से 5 मिनट में इसको हल कर दिया, दोबारा चेक कर डाला। दोस्तों रणथंभौर क्लासेस यहीं पे नहीं, रणथंभौर क्लासेस के सहयोग से जी पांडे कंप्यूटर सेंटर, जो कि अपना चिड़ावा में पड़ता है, वहाँ पे भी क्लासेस चल रही है, जो कि जी कंप्यूटर के नाम से चलता है, जी पांडे कंप्यूटर क्लासेस के नाम से। दूसरा एक अपना गोविंदगढ़ में चलता है, जो कि शकुंतला कंप्यूटर क्लासेस के नाम से है। दोस्तों बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाती है यहाँ पे तीनों स्थानों पे, और हम पार्टिकुलर LDC के लिए विशेष तौर से ध्यान देके टाइपिंग और एफिशिएंसी की तैयारी कराई थी हमने। दोस्तों तो इसमें अपन लेके चलते हैं कि इम्बोस इफेक्ट, आउटलाइन इफेक्ट, एनग्रेव, स्मॉल कैप्स, यहाँ पे अगर आपको फॉन्ट के लिए रेगुलर बोले तो यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे इनमें से अभी कोई ऑप्शन नहीं पूछा गया है अभी तक, तो इन पर नहीं पढ़े, इतना कोई ध्यान नहीं दे। पैराग्राफ में लेफ्ट और राइट का मार्जिन का ध्यान रखें, आउटसाइड इनसाइड पूछ सकता है, पैराग्राफ पूछ सकता है, लाइन स्पेसिंग के बारे में पूछ लिया आज, आपको डबल पूछ सकता है, एग्जैक्टली पूछ सकता है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है। दोस्तों इधर फर्स्ट लाइन और हैंगिंग पूछ सकता है। इधर आगे चलता हूँ मैं, आगे बात करता हूँ, यहाँ से अलाइनमेंट दे देंगे, यहाँ से बुलेट्स दे देंगे। दोस्तों यहाँ से भी आप लाइन स्पेसिंग दे सकते हो। दोस्तों यहाँ से पैराग्राफ का शेडो आता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर वो पैराग्राफ को आपको ऐसा शेडो दे देगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे गए अपन को येलो कलर का शेडो अपन ने दे दिया, उसको बोलेगा पैराग्राफ के शेडो को रिमूव कर कीजिए, आप यहाँ पे जाओगे नो कलर कर दो, तो वो रिमूव हो जाएगा।
बहुत से बंदे क्या करेंगे, ये अपने शेडो दिया इस पर ग्रे पे क्लिक करके आ जाएंगे सर। अब इसमें देखो दोस्तों, इसमें हल्का सा आपको 10% का आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, तो इसमें ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं करना दोस्तों, आपको आराम से जाना है, यहाँ पे गए आप और नो कलर करके ही आना है, जिससे आपका क्वेश्चन परफेक्ट और राइट रहे। दोस्तों यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो आप, यहाँ से आप पैराग्राफ की बॉर्डर लगा सकते हो, पेज की बॉर्डर लगानी है तो यहाँ जाएंगे, पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, इसी टाइप से अपन को पेज बॉर्डर जिस टाइप की चाहिए वो लगा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में इंसर्ट में चलते हैं, तो इंसर्ट में टेबल से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपन टेबल के बारे में अभी पढ़ लेंगे। हेडर फुटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हेडर के बारे में बात करें अपन, तो हेडर यहाँ पे दे देंगे जो भी लिखना है। जैसे मैं लिख टाइप करता हूँ RANTHAMBOR क्लासेस, ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से अपन हेडर दे देंगे। दोस्तों ऐसा मतलब कोई हैवी लेवल का कोई पेपर नहीं आ रहा, इसी टाइप से अपन फुटर में कुछ भी दे सकते हैं, पेज नंबर यहाँ से दे सकते हैं, टॉप का मतलब हेडर में, बॉटम का मतलब फुटर में, और करंट पोजीशन मतलब आपका जहाँ पे कर्सर रखा होगा वहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों पेज नंबर अगर चेंज करना है तो फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ से स्टार्ट कर दो, 2 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है, जितने से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको ये विशेष तौर से मतलब विस्तृत नहीं बता रहा, एक शॉर्टली बता रहा हूँ, जिससे आप कल के आने वाले पेपर को आप इजी में हल कर सको, इन मार्जिन कैप ड्रॉप कैप, ठीक है दोस्तों। अपन पेज लेआउट में चलते हैं, यहाँ से आपको मार्जिन मिल जाएगा कि आपको टॉप में कितना मार्जिन देना है, राइट में कितना मार्जिन देना है, बॉटम में कितना देना है, गटर पोजीशन मिल जाएगी यहाँ से, फिर यहीं से आपको पेज की साइज़ भी मिल जाएगी, पेज की साइज़ बाहर से मिल जाएगा आपको, यहाँ से लीगल साइज़ है, A4 है, A5 है, A3 है, बी A5 हो गई, B4 हो गई, B5 हो गई, ये सारी साइज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये, आपको जिस चीज़ के लिए बोला जाए उस पर आप ओपन करोगे तो आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। यदि आपको पेज साइज़ के लिए बोलता है तो पेज साइज़ भी क्लिक करते हैं, आपको ढूंढोगे तो सारी चीज़ मिल जाएगी। आपका पेपर इतना कोई कठिन नहीं है कि जैसे कि आप इसको हल नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे घबराहट में हो रहे थे, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चैनल देख देख के उन्होंने इतना ज़्यादा डिफिकल्ट सिखा दिया कि बच्चे कन्फ्यूजन हो गए थे कि सर हमसे पेपर होगा भी या नहीं होगा, होगा तो कैसे करेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ ही नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था ईजी पेपर से आएगा, अभी भी बोल रहा हूँ बहुत ईजी पेपर रहेगा पूरा। यहाँ से आप कॉलम डिवाइडेशन कर सकते हो, यहाँ से दो कॉलमों के बीच में लाइन देते हो दे सकते हो, यहाँ से कॉलम को इक्वल कर सकते हो, यहाँ से वाटर मार्क आप दे सकते हो, यहाँ पे गए अपन, यहाँ से टेक्स्ट वाटर मार्क दे सकते हो, इसी प्रकार से वाटर मार्क को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। यहाँ से पेज कलर दे दिया अपन ने, पेज कलर का इफेक्ट देना है तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जो भी इफेक्ट देना है यहाँ पे, इफेक्ट बोले तो ही देना है, अदरवाइज पेज कलर बोले तो यहाँ से आप जो भी चाहिए आपको पेज कलर दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ दोस्तों, और आपका पेपर बहुत अच्छा रहे, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट डे के लिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को बेनिफिट मिल सके। दोस्तों मैंने ये कुछ ही मिनटों के अंदर इसको मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, जो कि 23 मिनट के अंदर आपको मैंने दो पेपरों का एनालिसिस, प्लस इसमें मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा इंसर्ट फॉर्म और पेज लेआउट के बारे में बता दिया, जहाँ से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। दोस्तों टेबल में ज़्यादा नहीं पूछ रहा, आपको ज़्यादा ज़्यादा हाईलाइट करा सकता है टेबल में, या फिर आपको इक्वल स्क्रो करवा सकता है, और सेंटर लाइन, सेंटर लेफ्ट राइट लाइन दिला रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो मैं आपके नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों। हमारे यहाँ जो कि पेपर्स लिए गए थे, मात्र 3 पेपर लिए गए थे हमने, तो उन पेपरों के भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ये जो मैं 6 से 8 डेली पेपर प्रैक्टिस से हल कराता हूँ दोस्तों, ये हिंदी का इंग्लिश का हो गया, ये मेरा टाइपिंग मैटर था, टॉप 5 में जो बच्चे आए थे यहाँ पे 137 में, उन बच्चों की लिस्ट है जो कि अभी उनको प्राइज़ देना बाकी है, जो कि बहुत जल्दी बुला लूँगा मैं दोस्तों। ये था मेरा सेकेंड पेपर। तो दोस्तों मैंने देखो पेपर, मेरा पेपर जो बनाया गया था वो बहुत ईजी था। तीसरे पैराग्राफ में हेडिंग को इंडियन इतना पॉइंट दीजिए, हैंगिंग इंडियन कविता शब्द को अंडरलाइन कीजिए, सातवीं दोस्तों बिल्कुल एज इट इज जो बनाया गया पेपर था उसी में से सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं दोस्तों। एक आध क्वेश्चंस मैंने थोड़े लेवल के डाले थे, बाकी लेवल के क्वेश्चन एक भी नहीं आया, आप देख सकते हो दोस्तों। मेरा ये था, ये टेस्ट सीरीज का डे का दिन था, उस दिन की पेपर्स और ये फोटोज़ है।
दोस्तों ये मेरे टेस्ट सीरीज के पेपर थे जो कि मैंने 3 ही टेस्ट लिए सिर्फ बच्चों से। दोस्तों ये मेरी बुक आती है तो ये बुक बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई थी, इसमें अलग अलग प्रैक्टिस सेट, अलग अलग एमएस वर्ड की फाइलें दी गई थी, 40 थी, तो इसमें 20 हिंदी के और 20 इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर थे। इसी टाइप से मैं दोस्तों आपके लिए हाई कोर्ट LDC में भी SI पेपर लेके आऊँगा। दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ में, जिससे आप सब लोग इस सिलेक्शन हो सके। दोस्तों ये जो हमारे टॉपर्स थे जो कि कोचिंग्स के, ये भैया है बंटी भैया, इन्होंने मात्र 3 मिनट में अंदर में इन्होंने कंप्लीट एफिशिएंसी का हिंदी का पेपर कर दिया था, इंग्लिश में इन्होंने 6 मिनट में कर दिया था, और टाइपिंग में इनकी टाइपिंग में 2 मिनट हिंदी में बची थी और 35 सेकेंड इंग्लिश में बची थी। मतलब इतनी शानदार स्पीड है कि आप देखते ही रह जाओगे। दोस्तों ये शुरू से कर रहा है टाइपिंग, तो ये हमारी बुक आती है, तो दोस्तों आप भी परचेज कर सकते हो कभी भी, और बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।